क्या वॉर से बड़ा धमाका करेगी टर्मिनेटर डार्क फेट। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत में हॉलीवुड फिल्मों की तरफ जिस एक कलाकार ने सबसे बड़ा क्रेज पैदा किया वो है अर्नॉल्ड। 80 के दशक के नौजवानों के पहले पोस्टर बॉय रहे अर्नॉल्ड इस बार बड़े पर्दे पर ऐसे धमाके और फुलझड़ियां लेकर लौट रहे हैं जिसका जश्न हॉलीवुड फिल्मों के दीवानों की दो पीढ़ियां एक साथ मनाने को बेकरार हैं। आपको बता दें कि अर्नॉल्ड की नई फिल्म टर्मिनेटर डार्क फेट के एक्शन सीन्स हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वॉर से कई गुना बेहतर और भव्य तरीके से फिल्माए गए हैं। अर्नॉल्ड का नाम भारत में हॉलीवुड सिनेमा का 3 दशकों से पर्याय रहा है। उनके पोस्टर्स भी घरों और व्यायामशालाओं में लगते रहे हैं और वो ऐसे पहले हीरो रहे जिनके लिए पूरी दो पीढ़ियां दीवानी रही है। अब अर्नॉल्ड बड़े पर्दे पर अपनी नई फिल्म टर्मिनेटर डार्क फेट लेकर आ रहे हैं। टर्मिनेटर सीरीज की पहली दो फिल्मों की कहानियों को इसके निर्माता इस नई फिल्म से सीधे जोड़ रहे हैं और बीच की बाकी फिल्मों से इस नई फिल्म का कोई खास कनेक्शन नहीं रखा गया है। ऑस्कर पुरस्कारों को जीतने का रिकॉर्ड बना चुके निर्माता निर्देशक जेम्स कैमरॉन की कल्पना से उपजा सुनहरे पर्दे का टर्मिनेटर पहला मशीनी मानव है जिसके अंदर इंसानी जज्बात उभर आते हैं। अब ये कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर पहुंची है जहां इस ओरिजिनल टर्मिनेटर को इस कहानी में वापस लौटना पड़ा है। साथ में सारा कॉनर भी है। इस बारे में चर्चा चलने पर अर्नॉल्ड कहते हैं, ये एक और टर्मिनेटर मूवी तो है लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इस फिल्म के हर फ्रेम में आपको जेम्स कैमरॉन की काबिलियत दिखाई देगी। लिंडा हैमिल्टन भी साथ है तो एक तरह से ये टर्मिनेटर के पुराने दिनों में आज की वापसी है। इस बार का एक्शन भी ऐसा है कि खुद टर्मिनेटर सीरीज की फिल्मों में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स भी अब तक के अनदेखे और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज होने वाले हैं। निर्माता जेम्स कैमरॉन की अर्नॉल्ड लिंडा और एडवर्ड स्टारर फिल्म टर्मिनेटर डार्क फेट भारत में 1 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए ये साल का सबसे बड़ा एक्शन एडवेंचर मानी जा रही है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये फिल्म भारत में तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज की जाएगी। तो आप इस फिल्म को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।